दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज यार छुट्टी है हमारी, जुमा है यार हमारा, रमज़ान का लास्ट जुमा है। इसके लिए मैंने छुट्टी लिया क्योंकि मंडे को मेरा वीक ऑफ रहता है, तो मैंने उस दिन नहीं लिया क्योंकि मैंने अपने मैनेजर को बोला कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दिया यार कि सर नमाज पढ़ने जाना है और लास्ट जुमा है, और आप सबको पता होगा यार अलबत्त जुमा कितना इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बहुत दुख हो रहा है यार कि रमज़ान का ये जो था जुमा है और रमज़ान के कुछ ही दिन बचे हैं यार, क्योंकि रहमत का महीना इतना जल्दी पार हो गया यार। देखो सच में क्या बोले यार, दुख हो रहा है सच में। खैर कोई नहीं भाई, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारी छुट्टी थी यार, तो जल्दी से थोड़ा कुछ नहीं किया ज़्यादा, कुछ जूता वूता खाली धोया, धो गया अभी यार, थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते हैं क्योंकि यार धूप एक्चुअली अच्छा खासा है। अभी नहाया भी नहीं हूँ एक्चुअली, सहरी करके सोया था एक्चुअली, और सहरी करके अभी एक्चुअली सोया तो अभी 10 बजे उठा क्योंकि नींद खुलता नहीं है। फिर बाहर में धूप देख लो गाइस, धूप अच्छा खासा है, तगड़ा वाला धूप है यार, अंदर में ही रहते हैं एक्चुअली। कैसा है यार, अभी हमारे जो सलीम भाई थे ना, सलीम भाई भी एक्चुअली पीजी चेंज कर दिया एक्चुअली, वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे है। तो अभी जल्दी सबसे पहले कुछ कुछ काम करते हैं यार, सबसे पहले कपड़ा आयरिंग करते हैं क्योंकि मैंने कपड़ा एक्चुअली वॉश कर लिया था मंडे के दिन, छुट्टी नहीं था बट मैंने जो पहनेंगे वो वॉश कर लिया था, तो थोड़ा उसको आयरिंग करते हैं भाई क्योंकि अभी काम थोड़ा सा है, फिर जाएंगे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए भाई। तो आज का ब्लॉग बने रहिएगा, जो लोग नए लोग हैं मेरे चैनल लाइक मासूम ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर। तो गाइस ये मेरा कवर्ड, जल्दी से कपड़े खोलते हैं। देख सकते हैं मैंने यार अच्छे से फोल्डिंग करके रखा हूँ। तो गाइस जल्दी से निकालते हैं क्योंकि यार कपड़ा आयरनिंग भी करना है। देख सकते हैं शर्ट को साइड करते ही हमारा कुर्ता रहा, ये रहा दादा। तो गाइस देख सकते हैं हो गया, अभी नहा धो के फ्रेश, और फ्रेश होके मैंने जल्दी से यार कपड़ा पहन लिया। ये मेरा कुर्ता है भाई, मैंने एक्चुअली ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो मैंने रखा था, तो मैंने इसको अच्छे से आयनिंग वनिंग किया, फिर नहा धो के फ्रेश हो गया। अभी टाइम भी हो गया यार, 12:30 बज रहा है एक्चुअली। मैंने घर में वजू कर लिया एक्चुअली यार, क्योंकि वहाँ पे पता है कितना भीड़ होगा इसके लिए, और जल्दी से जाना है क्योंकि वहाँ पे 1:30 बजे जमात होता है, लेकिन मैं 12:30 बजे निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से जाने में एक्चुअली 30 मिनट्स लगेगा वॉक करके जाऊँगा, और मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ से मुझे 20 मिनट्स लगता है। क्योंकि बाहर भी अगर आप देखेंगे ना, बाहर गाइस देखो, बाहर देखो धूप भी अच्छा खासा है, तो फिर इसके लिए फिर लेट करके आराम आराम से जाऊंगा, तो फिर लेट करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर, लेकिन जो कुछ हो जाए यार देखो धूप तो है, अच्छा खासा धूप है भाई साहब, क्योंकि यार दोपहर का टाइम पे इस टाइम पे तो धूप रहता ही है एक्चुअली। तो गाइस कैसा लग रहा हूँ यार आप लोग थोड़ा कॉमेंट करके बताना, और आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, नए लोग देख रहे हैं। धूप देखो भाई साहब, दोपहर का कड़कता भड़कता वाला धूप है। जल्दी से चलते हैं मस्जिद, फिर वहाँ पे आपको मिलते हैं, क्योंकि यार मुझे फिर जाना है वॉक करके, तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मेरा ऐसा नहीं है, छोटा वीडियो ही बनाना है ताकि आप लोग देखो भाई ये बेंगलुरु में हो रहा है। पता नहीं नेक्स्ट अगले साल पता नहीं कहाँ रहूँगा, कौन से जगह पर रहूँगा, ये याद है यार कि आप सबको कैसा लगा ब्लॉग बताना। इस रोड वगैरह क्रॉस कर लिया यार, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था इस टाइम पर, वरना यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको रोड ये पार आने से कम 2-4 मिनट लगेगा, क्योंकि गाड़ी आने जाते रहता है। देख सकते हैं सामने, और ये सामने आगे मेट्रो का एक्चुअली काम हो रहा है, पता नहीं यार कितना दिन तक ये काम चलेगा, क्योंकि मैं 2 साल इधर हो गया तब से एक्चुअली स्टार्टिंग है, बहुत दिन से ये काम चल रहा है, अभी और शायद 2-4 साल लगेगा, क्योंकि एरिया ग्रोथ होने में काफ़ी अच्छा, बेंगलोर यार अच्छा डेवलप हुआ ये एरिया, क्योंकि ये एकदम मतलब बनरगट्टा साइड ना बहुत साइड का एरिया है। चलिए चलते फिर आगे मिलते हैं। गाइस एक्चुअली यार ये रोड देख सकते हैं, ये रोड जाता है मस्जिद की ओर, और पूरा रास्ते में यार ज़्यादा ही धूप मिला क्योंकि यार मतलब कहीं कहीं पेड़ है, कहीं कहीं पेड़ नहीं है, उसकी वजह से यार। और यहाँ का जब व्यू देखो ना भाई, बहुत ही अच्छा खूबसूरत है, जैसे इतने गार्ड साहब बैठे हैं यहाँ पे, आगे देखेंगे तो कॉलेज भी है एक्चुअली, आपने बोर्ड में देखा होगा एक्चुअली राजीव गांधी जी का कॉलेज है यहाँ पर आगे, मतलब इसी रोड में है, और फिर उसके साइड में ये साइड पर एक रोड गया है वहाँ पर मस्जिद है। तो यहाँ पर कैसा थोड़ा कहीं पे छाव है, कहाँ पे धूप है, रास्ते में ज़्यादातर धूप मिला, और आने में यार आधा घंटा तो लग गया क्योंकि मैं दूर आ रहा हूँ एक्चुअली, सामने से नहीं आ रहा हूँ, काफ़ी दूर से ही आ रहा हूँ,
भाई साहब धूप तो अच्छा खासा मिला देखने को, लेकिन एक्चुअली टाइमिंग जो है ना, एक्चुअली दोपहर का टाइमिंग है, तो इस टाइम पे आप सबको पता होगा कितना ज़्यादा धूप रहता है। तो चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको। पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग भी आ रहे हैं यार, क्योंकि टाइम में जल्दी भी पहुँचना है। और एक रास्ता दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जो रास्ता है ना, वो मतलब ऊपर से ये मैं जॉब करता हूँ ना, तो उधर से आता हूँ शाम को इफ्तारी के टाइम पे आता हूँ ये मेरा, क्योंकि मैं उधर जॉब करता हूँ एक्चुअली इसके लिए। और वो जो मैं इधर एक्चुअली कैसा ना, मैं जिधर जॉब उधर मैं आ रहा हूँ एक्चुअली पीजी से, अपना रूम से जहाँ रहता हूँ मैं, और ये जो है ना उधर मैं रहता हूँ काम करता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ से मुझे थोड़ा नज़दीक पड़ता है। और वो जो मैं आपको कॉलेज की बात कर रहा था ना, वो आगे है यहाँ पे, अगर आपको मैं यहाँ से जूम करके दिखाऊंगा एकदम आगे है वहाँ पे। तो और ये यहाँ पे राजीव जी का कॉलेज है और मस्जिद एक्चुअली यहाँ पे हमको जाना है फिर सीधे, सुभान अल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है यहाँ पे। मैं एक्चुअली मैं लास्ट ईयर यहीं पे था बेंगलोर में, तो मैं ये मस्जिद नहीं आता था क्योंकि मुझे इसके बारे पता नहीं था, मेरे भैया आते थे साथ में थे, मैं ज़्यादातर दूसरा मस्जिद एक नाइस रोड करके है वहाँ पर मैं जाता था एक्चुअली। फिर मैं आया यहाँ पर, यहाँ पे आया तो यार मुझे एक्चुअली यहाँ पे अच्छा लगा क्योंकि सामने भी हो रहा था, तो मैं फिर यहाँ पे आना स्टार्ट किया। और आप यहाँ का अगर आप व्यू देखो पूरा, देखो कितना खूबसूरत व्यू है, साइड साइड में पेड़ है। एक्चुअली अभी कैसा है ना, थोड़ा धूप उप देने लगा तो पेड़ उड़ मतलब कैसा सूख गया है, देखो पत्ते वत्ते हैं नहीं, मतलब किसी में पत्ते हैं किसी में नहीं है इसके वजह से, लेकिन ये अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, क्योंकि बारिश का टाइम पर जब आएगा ना तब फिर से पेड़ पौधे निकलेंगे, निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर काफ़ी अच्छा काफ़ी खूबसूरत लगेगा। नहीं मस्जिद अच्छा खासा आया क्योंकि जल्दी आया, एक्चुअली लेट होता तो काफ़ी दिक्कत हो जाता। सामने यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे टोपी वगैरह कुछ लेना ले सकते हैं, फ्लावर्स वगैरह भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी भीड़ एक्चुअली कैसा है, जल्दी थोड़ा आ गया हूँ क्योंकि हमेशा लेट आता हूँ ना, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली मैं घर से भी वजू करके आया हूँ, तो अभी मेरे पास चलो आराम से किताब उताब पढ़ना है थोड़ा तीरा। हे गाइस सुभान अल्लाह नमाज पढ़ा भाई, बहुत अच्छा लगा नमाज पढ़ के। आज अलबत्ता का जुम्मा था भाई, आप सबको अलबत्ता जुम्मा मुबारक हो। ये सामने मस्जिद के देख सकते हैं फूल है, काफ़ी खूबसूरत है। अभी एक्चुअली बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे वजू रूम है ना, तो थोड़ा यहाँ पे अच्छा ठंडा लग रहा है, क्योंकि यार धूप बहुत है एक्चुअली। अब जल्दी से चलते हैं फिर रूम को, फिर रूम में जाके पहुँच के आपसे थोड़ा बात करते हैं। तो है फ्रेंड्स आ गया भाई नमाज पढ़ के, भाई धूप 37 डिग्री धूप है भाई, और ख़तरनाक भाई, एकदम ख़तरनाक और कड़क वाला धूप है सच में, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा वाला गर्मी लगा। अभी आ गया रूम पे भाई, पंखा भी चालू कर दिया, अभी थोड़ा अच्छा सा सुकून लग रहा है। नीचे भी एक्चुअली मैंने 5 मिनट बैठा ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे एक्चुअली कैसा कि वहाँ पे पानी का टंकी बड़ा सा बनाया है, तो फैन भी चल रहा था, वहाँ भी अच्छा लगा। बट खाना बना रहा ना तो वो छींक आ रहा था, एक दो बार छींका, बोला अब नहीं छींक सकता भाई, जाऊँगा अपना रूम पे। रूम पे आ गया यार, अच्छा लगा भाई। तो वीडियो देख के आप सबको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप लोग नए लोग देख रहे हैं मेरे चैनल लाइक मासूम ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और गाइस मेरे चैनल में अभी 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया है, आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यही चाहूँगा आप लोग मुझे ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।